हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग बैग क्लास तथा क्लास के प्रमेय का लेक्चर नंबर 3 अटेंड किए थे। इस क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 4 पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि आवेशी चालक के ठीक बाहर बैग क्षेत्र की तीव्रता कैसे फाइंड करते हैं तथा एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण बैग क्षेत्र की तीव्रता कैसे फाइंड करते हैं। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों ही टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग लगाएंगे आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग हेडिंग लगाएंगे आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई एक आवेशित प्लेट लेते हैं। ठीक है, एक आवेशित प्लेट लेते हैं जिसको हम लोग एक समान रूप से आवेशित कर देते हैं। तो आइए आपको हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, यह हमने क्या लिया हुआ है, एक प्लेट लिया हुआ है और इसको एक समान रूप से हमने आवेशित किया, तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर इस तरह से वितरित हो जाएंगे। देखिए, यहां पर ये आवेश क्या हो गए, वितरित हो गए। इसको ले लेते हैं हम लोग साइड नंबर 1 और इसको लेते हैं साइड नंबर 2। ये साइड नंबर 2 है और इस साइड नंबर 1 है। ठीक, ये फर्स्ट साइड हो गई और ये सेकेंड साइड हो गई। ठीक है, इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। कहां पर ज्ञात करना है, इस आवेशित चालक के ठीक बाहर। मान लेते हैं इसके ठीक बाहर कोई बिंदु पी है, यहां पर कोई बिंदु पी है और इसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो ध्यान दें, यहां पर हम कैसे इस बिंदु पर तीव्रता फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर ये चालक क्या है, एक समान रूप से आवेशित किए गए हैं। तो इस प्लेट के कारण, ये जो प्लेट दिखाई दे रहा है, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि समतल चादर, अनंत लंबाई की समतल चादर के कारण उसके निकट जो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड किए थे, ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी एक प्लेट की तरह व्यवहार करेगी। तो यहां पर देखिए, आपको दो सिरे दिखाई दे रहे हैं, एक साइड भी इधर की तरफ भी प्लस है और जो हमने सिरा सेकेंड लिया है वहां पर भी प्लस है, यानी धावन से है। तो ये जो धनायन दोनों तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके कारण इस बिंदु पर यदि हम लोग तीव्रता फाइंड करेंगे तो देखिए क्या आपको मिलेगा। जो ये है पहली साइड, इसके कारण आप यहां पर यदि तीव्रता फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर तीव्रता इस तरह से मिलेगा आपको आगे की तरफ। आप जानते हैं कि यदि धनावेश हो तो यदि हम लोग किसी भी बिंदु पर यदि तीव्रता फाइंड करते हैं तो उसके आगे यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें तीव्रता मिलता है आगे की ओर। देखिए प्लस है तो इससे राइट में चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर यदि राइट में चलेंगे तो हमें इस प्रकार से डायरेक्शन मिलेगा। ठीक इसी तरह से ये जो साइड 2 दिखाई दे रहा है, ये भी धनायन है, तो इसके कारण भी यदि बिंदु पी पर यदि तीव्रता फाइंड करेंगे तो यहां पर भी आपको तीव्रता कुछ इस तरह से मिलेगी। डायरेक्शन इसका भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। तो यहां पर दोनों की तीव्रताएं जो मिल रही है हमें, वेक्टर E1 और वेक्टर E2, दोनों का डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि एक ही दिशा में है। जब दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है तो यहां पर यदि हमें तीव्रता फाइंड करना होगा तो हम यहां पर क्या करेंगे, बिंदु पी पर नेट तीव्रता दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप कैसे इसको प्रूव करेंगे, कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, यहां सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे, माना कोई आवेशित चालक प्लेट जिसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है, इस आवेशित चालक के ठीक बाहर कोई बिंदु P है जहां पर हमें नेट तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर हमें नेट तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः चित्रानुसार, तो देखिए चित्रानुसार यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, यहां पे यदि हम लोग चित्रानुसार लिखेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं। चित्रानुसार आप लिखेंगे सिरे 1 के कारण
सूर्य बल के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो देखिए बिंदु P पर तीव्रता आपको वेक्टर E1 बराबर यानी E1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा समीकरण नंबर एक, इसे क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर एक। ठीक इसी तरह से हम लोग सिरे 2 के कारण देखेंगे, सिरे 2 के कारण, सिरे 2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता। सिरे 2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी मिलेगी, वेक्टर E2 बराबर, तो E2 बराबर यदि यहां पर देखेंगे तो E2 बराबर भी हमें मिल जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 के बराबर भी हमें क्या मिलेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे, अब बिंदु P पर नेट तीव्रता क्या निकालेंगे हम लोग, बिंदु P पर नेट तीव्रता फाइंड करेंगे। तो इस बिंदु P पर यदि नेट तीव्रता आप ज्ञात करते हैं तो दिखाई हमें यहां पर ये दे रहा है कि दोनों का डायरेक्शन क्या एक ही, जब दिशा एक हो, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में जाएंगे तो आपस में मिल जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से यहां पर तीव्रताओं का डायरेक्शन एक ही है, तो यहां पर हम लोग यदि तीव्रता फाइंड करेंगे P पर तो हमें क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 मिल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे E नेट बराबर, तो E नेट बराबर यदि फाइंड करेंगे तो E1 प्लस क्या मिलेगा हमें, E2 मिलेगा। अब यहां पर आप क्या करेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां पर आप दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, जहां तक हो गया है नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए यहां पे। ठीक आगे देखते हैं, देखिए अब यहां पर हम यदि इसे ऐड करेंगे तो ये टू टाइम्स दिखाई दे रहा है, दो गुना दिखाई दे रहा है, दो बार एक ही चीज है, तो इसको ऐड कर सकते हैं आसानी से। तो हमें ई नेट बराबर देखिए कितना मिलेगा, टू सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट, दो से दो क्या हो जाएगा कैंसिल, इसलिए हम ई नेट बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही आसानी से हम लोग आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग बनाएंगे आप लोग, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष, गोली कोष के कारण तीव्रता। हेडिंग बनाएंगे आप लोग, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण तीव्रता। देखिए एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण तीव्रता हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसके तीन कंडीशन हो सकते हैं, या तो हम लोग गोली के बाहर फाइंड करें, या तो हम लोग गोली के बाहर तीव्रता फाइंड करें, या तो गोली के पृष्ठ पर फाइंड करें या गोले के अंदर फाइंड करें। तो यहां पर तीन कंडीशन हो सकते हैं, तो यहां पर हम लोग फिगर बना करके समझते हैं। मान लीजिए ये कोई गोला है जिसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है, ठीक, ये गोला बना दिया गया है और इस गोले को एक समान रूप से आवेशित कर दिया गया है, ठीक, या फिगर बना ले, ये गोला है और इस गोले को एक समान रूप से आवेशित कर दिया गया है, और यहां पर हम लोग बाहर की तरफ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो आवेश को चारों तरफ से क्या करेगा, परिबद्ध करने का काम करेगा, ठीक है। और ठीक इसी तरह से हम लोग एक अंदर भी गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पे जो हमारा ठोस गोला था, जो सॉरी गोली कोष था, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर, ये त्रिज्या हम ले लेते हैं कैपिटल आर, और जो हमने बाहर की तरफ गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की हुई है इसकी त्रिज्या ले लेते हैं स्मॉल आर, ठीक, ये हमारी त्रिज्या हो गई स्मॉल आर, जो हमने कल्पना किया हुआ है
गॉसियन पृष्ठ की, ये हमारी स्मॉल आर है यहां से लेकर के यहां तक, और जो हमने गोली कोष लिया हुआ है उसकी जो त्रिज्या ली गई है वो कैपिटल आर है, ठीक है। यहां पे बिंदु ओ है, ठीक। अब देखिए इसी में हमें फाइंड करना है कि कहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या क्या होगी। यहां पर मान लीजिए ये बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा गोले के बाहर, क्या हो जाएगा गोले के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए गोले के बाहर बिंदु पी है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा जो घर्षण पृष्ठ है यहां पर अंदर, वो अंदर होगा और ये पृष्ठ पर। तो यहां पर तीन कंडीशन है, तो सबसे पहला इसमें हम लोग कंडीशन देखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोले के बाहर, गोले के बाहर, गोले के बाहर, ठीक गोले के बाहर। तो ये गोले के बाहर हम लोग फाइंड करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। गोले के बाहर हम लोग ज्ञात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त होगी। इस फिगर को ध्यान से समझ लीजिए, ये गोला था इसको आवेश दिया गया तो ये आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया और यहां पर हमने आवेश को परिबद्ध करने के लिए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जिसकी त्रिज्या हमने ली है स्मॉल आर और गोले की त्रिज्या कैपिटल आर। इस तरह से आप ध्यान दे रहे हैं। अब यहां पर लिखिएगा गोले के बाहर हम कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करते हैं। देखिए इस बिंदु पी पे जो बिंदु पी आपको दिखाई दे रहा है यहां पर आप यदि थोड़ी सी कथन स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देखिए ध्यान से सुनिएगा। माना कोई गोली कोष जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, माना कोई गोली कोष जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तथा जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। अतः आवेश को परिबद्ध करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अतः आवेश को परिबद्ध करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जहां त्रिज्या स्मॉल। अतः गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो यही हमें ज्ञात करना है। तो इतनी चीजें आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग देखें कि बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है, तो बिंदु पी पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए यहां पे यदि हमें फ्लक्स फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा फ्लक्स, तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, यहां पर जो क्षेत्रफल का डायरेक्शन होगा, क्षेत्रफल का वही डायरेक्शन हमारी तीव्रता का होगा वेक्टर ई का, जो क्षेत्रफल का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन यहां पे तीव्रता का होगा। अर्थात प्रत्येक भाग पर कहीं भी आप देखेंगे तो क्षेत्रफल का डायरेक्शन और तीव्रता का डायरेक्शन दोनों सेम ही मिलेगा, ठीक है। यानी एंगल कितना मिलेगा उनके भी 0 डिग्री। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं बिंदु पी पर, अतः बिंदु पी से गुजरने वाला यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स किसी भी बिंदु से ले सकते हैं तो आप पी पर फाइंड कर सकते हैं। अतः गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या लिखेंगे हम लोग, फाई ऑफ ई बराबर होगा E, वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ध्यान दीजिएगा यहां पर वेक्टर E डॉट वेक्टर A, यदि इसे तोड़ेंगे तो E cos थीटा मिलेगा, क्या मिलेगा E cos थीटा, क्योंकि थीटा बराबर यहां पर प्रत्येक जगह कितना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री है तो हमें phi of E बराबर कितना मिलेगा EA मिलेगा, phi of E बराबर क्या मिलेगा EA मिलेगा, ठीक। इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक क्या हमें मिल गया फाइव ऑफ ई बराबर ई ए। अब यहां पर क्या करेंगे, प्लस मिल गया ई ए के बराबर, क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक गोली पृष्ठ बना रहा है, तो यहां पर देख रहे हैं कि इसकी जो त्रिज्या स्मॉल आर है, तो
तो यहां पर एरिया कितनी होगी, सरफेस एरिया इसकी ए की वैल्यू रख सकते हैं 4πr2। ठीक, तो इससे पहले ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं चूंकि ए बराबर क्या होता है 4πr2, ए के बराबर क्या लिख सकते हैं 4πr2, तो इसलिए हम ऐसा लिखेंगे यहां पे, देखिएगा, इसलिए लिखा जाएगा पाई आप ई बराबर ई इंटू 4πr2। ठीक, परंतु यहां पर यदि गॉस के प्रमेय लगाएं, यहां पर क्या लगाएं, गॉस के प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं कि पाई आप ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर क्या हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4πr2। ठीक, अब क्या करेंगे, आप e की वैल्यू फाइंड करनी है, तो e बराबर यदि फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा 1/4πε0 इंटू q/r2, क्या मिलेगा, e बराबर हमें मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू q/r2। ठीक, क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2, इसे क्या बना लेंगे समीकरण नंबर 2। परंतु आप यहां पर देख रहे हैं कि यदि आपने इस गोले को प्लस क्यू गुलाम का अंश दिया है तो ये समान रूप से इस गोले पर वितरित हो गया। यदि हम इस क्यू के बराबर ज्ञात करें, इस क्यू के बराबर यदि ज्ञात करें तो हमें क्या मिलेगा, यदि इस पर क्या है पृष्ठीय घनत्व सिग्मा, यदि इसका पृष्ठीय घनत्व कितना है सिग्मा, तो हम जानते हैं कि इस पृष्ठीय घनत्व यदि सिग्मा है तो हम सिग्मा बराबर जानते हैं क्यू बाई ए होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू बाई ए, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो आवेश कहां पर वितरित है, इस वाले गोले पे जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, चूंकि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए और ए बराबर यहां पर क्या लिखा जाएगा, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे है 4πR2, 4πR2 स्मॉल आर स्क्वायर नहीं कैपिटल आर स्क्वायर, क्यों कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आवेश किस पर वितरित है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर, तो वहां पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा बराबर क्यू बाई ए और ए की वैल्यू 4πR2, तो क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए, हो गया ठीक है, इधर मिटा दे रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं, देखिए यहां पर अब क्या करेंगे हम लोग क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसलिए क्यू बराबर कितना मिलेगा सिग्मा इंटू 4πR2। अब क्या करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब हम लोग समीकरण 2 में क्यू का मान रख देंगे, इसलिए तो E बराबर हमें देखिए क्या प्राप्त होगा 1/4πε0 इंटू क्यू का मान रखेंगे सिग्मा इंटू 4πR2 डिवाइड बाई स्मॉल R2, ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो यहां इसे लिख सकते हैं आप E बराबर सिग्मा बाई ε0 इंटू R2 बटे स्मॉल R2, तो इस तरह से हमें फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। इसे बना लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता है। देखिए इस तरह से आप क्या बता सकते हैं, आवेशित एक समान रूप से आवेशित गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया, हो गया, रब कर दे। ठीक, अब देखिए हम लोग सेकेंड केस में क्या स्टडी करेंगे, अब सेकेंड केस ये कहता है कि आपने तो गोले के बाहर फाइंड कर लिया, लेकिन हमारा विचार कर रहा है
कि हम इस गोले के पृष्ठ पर भी फाइंड करें। तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या फाइंड करेंगे? देखिए गोले के पृष्ठ पर, तो यहां पर अब लिखेंगे हम लोग गोले के बाहर नहीं, गोले के पृष्ठ पर। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या हो जाएगा? केस सेकंड में हम लोग गोले के पृष्ठ पर फाइंड करेंगे, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर। ये गोले के पृष्ठ पर यदि फाइंड करेंगे तो स्मालर त्रिज्या से कोई मतलब अब नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि अब ये स्मालर त्रिज्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल आर त्रिज्या में। क्यों? क्योंकि हमें गोले के पृष्ठ पर फाइंड करना है। यदि इस पर फाइंड करना है तो यही जो गॉसियन पृष्ठ है वो कल्पना कर लेंगे सिर्फ इसी गोले पृष्ठ पर, ठीक। यदि इस गोले पृष्ठ पर आप कल्पना करेंगे तो गोले पृष्ठ पर कल्पना करेंगे तो यहां पर स्मालर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल आर में। तो यहां पर हम ये लिखेंगे गोले के पृष्ठ पर, ठीक है। तो कहानी वही रहेगी, क्योंकि हमने समीकरण 3 में देखा था, हमने क्या लिखा था? ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर, यही था हमारा समीकरण नंबर 3। यदि हमें जानते हैं कि जो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना है अब आ जाएगी इसके गोले पृष्ठ के ऊपर, तो यहां पर स्मॉल आर त्रिज्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? कैपिटल आर त्रिज्या के रूप में। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, इसलिए क्या लिख सकते हैं? ई बराबर गोले के पृष्ठ पर हो जाएगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर बटे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से यदि आप फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं? गोले के पृष्ठ पर, तो याद रखिएगा गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लिखी जाती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब लगे हाथ हम लोग केस थर्ड पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए केस थर्ड क्या था? गोले के अंदर केस थर्ड क्या था, ठीक, ये पहले नोट कर लीजिए फिर हम बताते हैं। ये हो गया है, देखिए केस थर्ड, केस थर्ड में आप क्या लिखेंगे? हेडिंग बनाएगा केस थर्ड, जिसके अंतर्गत लिखेंगे गोले के अंदर केस थर्ड, गोले के अंदर, गोले के अंदर। देखिए गोले के अंदर, अब एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपने यदि इस चैप्टर को अच्छे से अध्ययन किया है तो आप जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स, यानी जो गॉस ने हमें सिखाया था कि यदि आवेश परिबद्ध होगा तभी वहां पर हम लोग तीव्रता फाइंड आउट कर सकते हैं और फ्लक्स फाइंड की जा सकती है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि गोले के अंदर एक भी आवेश नहीं है, आवेश की मात्रा है ही नहीं, अर्थात आवेश की मात्रा कितनी? शून्य है। आपने जो इस गोले को आवेश दिया था तो गोले के पृष्ठ पर आवेश वितरित हो गया था, गोले के अंदर वितरित नहीं हुआ था, गोले के पृष्ठ पर वितरित हुआ था, और यहां पर गोले के अंदर नेट आवेश कितनी है? शून्य है। तो आप लिखेंगे गोले के अंदर, चूंकि गोले के अंदर नेट आवेश शून्य है, नेट आवेश कितना है? शून्य है, अतः गोले के अंदर तीव्रता प्रत्येक जगह शून्य प्राप्त होगी, शून्य प्राप्त होगी। एक बार ध्यान दे रहा, गोले के अंदर नेट आवेश कितना है? शून्य है, अतः गोले के अंदर प्रत्येक जगह तीव्रता क्या होगी? शून्य प्राप्त होगी। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसके सेंटर पर तीव्रता शून्य हो, आप इसके आसपास इर्द गिर्द कहीं भी इस गोले के अंदर आप तीव्रता फाइंड करेंगे तो वहां पे आवेश आपको शून्य होने के कारण क्या मिलेगा? तीव्रता शून्य मिलेगा। ये जरूरी नहीं होगा कि आप इसके सेंटर प्राप्त करें तभी, ठीक, कहीं भी प्राप्त करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट तीव्रता शून्य ही प्राप्त होगी, ठीक है। इस तरह से आप एक समान रूप से आवेश गोले प्लेट के मध्य में और प्लेट के बाहर तीव्रता कितनी होगी,
तो प्लेट के मध्य में आप तीव्रता बताएंगे और प्लेट के बाहर तीव्रता बताएंगे कितनी होगी। ट्राई करो, हो गया नहीं हुआ? आइए समझते हैं, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि यहां पर क्या करेंगे। तो सबसे पहले एक बार ध्यान दीजिए, हम लोग गोले के बाहर फाइंड करते हैं। कहां पर फाइंड करते हैं? गोले के बाहर। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम इस प्लस आवेश के कारण देखेंगे, यहां पर जिस पर ये जो पहली प्लेट है जिसको धनावेशित किया गया है, इस प्लेट के कारण यहां पर यदि फाइंड करेंगे पी पर, तो हम जानते हैं कि धनावेश के कारण तीव्रता का डायरेक्शन हमेशा आगे होगा। यदि आप यहां पर फाइंड करेंगे तो डायरेक्शन आगे की तरफ लेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, E1 कुछ इस तरह से लिखा जाएगा आगे की तरफ। अब देखिए, तो हमें क्या मिला, प्लेट वन के कारण तीव्रता E1 आगे, लेकिन प्लेट टू ऋणावेशित है। तो यहां पर हम किसी भी बिंदु पर यदि तीव्रता निकालते हैं तो डायरेक्शन हम उस आवेश की तरफ लेते हैं जिसका चिन्ह ऋणावेश हो, यानी माइनस हो। तो यहां पर डायरेक्शन हम लोग किधर दिखाएंगे, इस प्लेट की तरफ। तो यहां पर E2 ले लिया जाएगा, ठीक। तो E2 प्लेट की तरफ आ जाएगा ऋणावेश की तरफ और हमारा E1 आगे की तरफ होगा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180। कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। तो याद रखिएगा, यदि हम पहले प्लेट के कारण लिखेंगे तो आप लिखेंगे प्लेट वन के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो बिंदु P पर तीव्रता कितनी लिखेंगे, प्लेट वन के कारण यदि लिखेंगे तो E1 बराबर आप जानते हैं सिग्मा बाई क्या होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। हमेशा एक प्लेट कैसे रिएक्ट करेगी, एक समतल चादर की तरह रिएक्ट करेगी। तो इस प्रकार लिखा जाएगा E1 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक। अब बताइए प्लेट टू के कारण क्या लिखेंगे, प्लेट टू के कारण। तो प्लेट टू के कारण भी तीव्रता वही होगी, प्लेट टू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता। तो प्लेट टू के कारण यदि बिंदु पी पर तीव्रता यदि निकालेंगे तो E2 बराबर लिखा जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। देखिए प्लेट वन के कारण भी तीव्रता हमें मिला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो भी एक समतल चादर की तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो प्लेट। और प्लेट टू भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट देगा तीव्रता, क्योंकि ये भी एक प्लेट है, लेकिन एक धनावेश है दूसरा ऋणावेश है। तो दोनों के डायरेक्शन क्या होंगे, चेंज होंगे। प्लस के कारण डायरेक्शन हमेशा आगे होगा, माइनस के कारण डायरेक्शन हमेशा उस माइनस चार्ज की तरफ होगा, ठीक। अब यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, बिंदु पी पर नेट तीव्रता। तो यहां पर लिखेंगे अतः बिंदु पी पर नेट तीव्रता। तो बिंदु पी पर नेट तीव्रता देखिए कितने मिलेगी, ई नेट बराबर, तो यहां पर लिखेंगे E1 प्लस E2। लेकिन यहां पर डायरेक्शन देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहां पर यदि हम लोग चिन्ह रखेंगे तो माइनस रखेंगे, आगे की तरफ प्लस यदि लेते हैं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 यदि पीछे की तरफ तो यहां पर माइनस ले लीजिए। तो ई नेट कितना देगा, 0 देगा। तो याद रखें, जब भी दो प्लेटों को क्रमशः धनावेशित और ऋणावेशित किया जाता है, इस प्रकार से दो प्लेट, एक धनावेशित मिलेगा और दूसरा ऋणावेशित मिलेगा, तो दोनों प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। ये तो मिल गया, ठीक, 0 मिल गया। अब यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मध्य में भी ज्ञात करें, तो मध्य में देखिए क्या होगा, ठीक, ये हो गया है, नोट कर लीजिए, ठीक, हो गया। अब देखिए इसी चीज से हम आपको समझा दे रहे हैं, यदि हमें मध्य में ज्ञात करना होगा तो इसे भूल जाइए। यदि प्लस ये है तो डायरेक्शन आगे, E1 गया आगे, ठीक। यदि ये माइनस है और बिंदु P डैश पर ज्ञात करना है, P डैश पर यदि तीव्रता ज्ञात करना है, तो ध्यान दें हमने आपको क्या बताया कि तीव्रता का डायरेक्शन उसी दिशा में होगा जिधर माइनस चार्ज होगा, यानी ऋणावेश होगा। तो यहां पर देखिए ऋणावेश साइड है, तो यहां पर डायरेक्शन E2 का भी किधर होगा, प्लेट टू के कारण भी डायरेक्शन उसी दिशा में हो जाएगा जिस दिशा में प्लेट वन का है, ठीक। तो दोनों के डायरेक्शन यहां पर देख रहे हैं
कि दोनों तीव्रताओं का डायरेक्शन क्या है, एक ही दिशा में है। तो यहां पर पुनः लिखेंगे प्लेट वन के कारण बिंदु पी पर तीव्रता ये मिलेगा, प्लेट टू के कारण तीव्रता से ही मिलेगा। लेकिन यदि बिंदु पी पर नेट तीव्रता यदि फाइंड करेंगे तो दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है, क्योंकि हम जानते हैं माइनस के कारण डायरेक्शन खुद की तरफ खींच लेता है और प्लस कारण अवय काम दौर प्लेट, तो अवय काम दौर प्लेट यानी प्लेट से बाहर की तरफ होगा, तो ये प्लेट से बाहर और ये टूवास दौर प्लेट यानी प्लेट की ओर है, तो ये इंटू प्लेट की तरफ है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में। तो यहाँ पर ये नेट निकालेंगे तो ये माइनस की जगह क्या देगा, क्या देगा, प्लस देगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा माइनस की जगह हम लोग लिख देंगे प्लस, तो यहाँ पर जीरो की जगह कितना आ जाएगा जोड़ देंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा, बाहर शून्य अंदर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए आप एक चीज और ध्यान दे सकते हैं, ये हो गया है, हो गया, तो आपको एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, इसको आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये है, यदि ये जो प्लेट है, देखिए क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ये प्लेट आपको दिया गया, ठीक, ये प्लेट है और इस प्लेट को, ये जो दोनों प्लेट दिखाई दे रहे हैं, इस दोनों प्लेट को हमने क्या कर दिया है, धनावेश धनावेशित कर दिया है। आपसे पूछा गया है पी डैश पर और पी पर नेट तीव्रता कितनी होगी, आपको ज्ञात करना है पी डैश और पी पर नेट तीव्रता कितनी होगी, ठीक है।